बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुरुवार को माघ मेला प्रयागराज पहुंचे। वहीं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें साधु संतों का आशीर्वाद पाने का मौका मिला। धीरेन्द्र शास्त्री कई शिविरों में जाकर साधु संतों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस पर साधुओं का आशीर्वाद रहता है वह हमेशा झंडे गाड़ता है। लोग कहते हैं कि साधु संतों से क्या होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि संतों से लाखों करोड़ों लोगों की रक्षा होती है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ जितने सनातनी हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के साथ जो भी हैं हाथ उठाएं और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दें। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री निर्मोही अखाड़े के संत संतोष दास के यहाँ साधु संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि सिर्फ संतों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर चलाई जा रही मुहिम के लिए सभी का समर्थन मांगा। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के माघ मेले में आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। इससे रेती पर काफी गहमा गहमी का माहौल बना रहा। लोगों को संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री तब से काफी चर्चा में हैं जब से महाराष्ट्र अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष ने दावा किया था कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी करने और उनका शोषण करने का भी आरोप लगाया था। समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती भी दी थी कि अगर वो उनके बीच दिव्य दरबार लगाते हैं और चमत्कार करके दिखाते हैं तो वो उन्हें 30 लाख रुपए देंगे। साथ ही समिति का ये भी कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार नाम से जो सभा करते हैं उसमें 2 कानूनों का उल्लंघन होता है। पहला है 2013 का महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून और दूसरा है 1954 का ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट। इतना ही नहीं, समिति की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर में शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। हालांकि इन आरोपों का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया था कि वो कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते और न ही किसी की समस्या दूर करते हैं, जिसके बाद से धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग इसे आस्था का मुद्दा बता रहे हैं तो कुछ लोग अंधविश्वास बताकर धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि नागपुर पुलिस ने जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बागेश्वर धाम में चमत्कार को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री पर जुबानी बार पलटवार लगातार जारी है। बता दें कि माघ मेले में धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व की अलख जगाकर सनातन धर्म की मजबूती के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। वह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुहिम का समर्थन कर उनके साथ खड़े होने की बात कह चुका है। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मेजा में कुंवरपट्टी में चल रहे मां शीतला कृपा महोत्सव में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जहां पर 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। माना जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस कार्यक्रम के जरिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर लोगों से समर्थन की मांग कर सकते हैं। वहीं प्रयागराज में 3 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, साथ ही माघ मेले में भी जा सकते हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी से मुलाकात के लिए धीरेन्द्र शास्त्री माघ मेले में भी रुक सकते हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।